क्यों रो रही हो? तुम्हें दूध पीना है? मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। चुप हो जाओ। हाँ माँ। जिसके नाम में ही प्यार होता है, जिसके स्वभाव में ममता भरी होती है, उसे ही कहते हैं माँ। माँ। हाँ? गुड़िया रो रही है। हे भगवान, ये काम करने के चक्कर में मैं तो उसे भूल ही गई। आजा 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 आजा। जल्दी चलना। दीदी दीदी सुन, चुप हो जाओ दीदी। ला इसे मुझे दे। तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? तुम्हारे पति को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की कोई फिक्र नहीं। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैं अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मार सकती ना। दुखी मत हो लक्ष्मी, भगवान तुम्हें भी अच्छे दिन दिखाएंगे। लक्ष्मी ये सब तो होता रहेगा, होने से दुख कम थोड़ी हो जाएंगे। ये लो 100 रुपए पकड़ो, अपने बेटे को हॉस्पिटल में दिखा कर आ जाओ। आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो है देवपल्ली की राजेश्वरी। हमारे राज्य के एंटी रामा राव अपने सभी मंत्रियों के सामने आज प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि आज से वो कोई सरकारी काम नहीं करेंगे। हमारे राज्य के आत्म गौरव के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इनकी पार्टी के सभी लोग इनके लिए खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनके विपक्षी इंद्र भास्कर राव जी भी वहाँ मौजूद थे। मंत्री जी का कहना है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने राज्य की प्रजा के लिए कर रहे हैं। वो अपने राज्य की प्रजा का हित चाहते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, सभी को सुख मिलेगा। आने वाले हैं, अच्छे दिन कर लो मौज। क्या हुआ तुम्हें, आज इतना खुश क्यों हो रहे हो? अरे समीर, आज हमारा देवता राजनीति में घुसा है। हमारा भगवान? हाँ? कौन है वो? हाँ? हमारे राम, भीम, कृष्ण जी और भी बहुत सारे दानवीर जैसे कि कर्ण और हमारे नेता। इस खुशी में हमें दावत करनी चाहिए ना। अरे समीर, क्या हुआ, आजकल बहुत कम दिखाई देते हो? मेरी पूरी जिंदगी पत्थर तोड़ते तोड़ते गुजर रही है। अरे अगर ऐसा है तो काम पर जाना छोड़ दो। ऐसा कैसे होगा, मेरे बाल बच्चे भी तो हैं। अरे तो तेरी बीवी क्या कर रही है, उसे क्या सिर्फ घर पर ही बैठना आता है? तेरी तरह खुशकिस्मत पत्नी सबको थोड़ी ना मिलती है। मेरी बीवी तो लाखों में एक है, वो बहुत अच्छी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। पूरा दिन पत्थर तोड़ने के बाद 100 रुपए जब शाम में उसके हाथ में ले जाकर रखता हूँ ना, तब तो मुझे खाना देती है। तुम्हारी पत्नी की तरह सीधे मेरे हाथ में पैसे थोड़ी रख देती है वो। आज उस पत्थर के मालिक ने 100 रुपए उसे दिए, वो सीधे लाके तेरे हाथ में रख देगी। ये बात तो मुझे पता ही नहीं। अरे पटेल ने उसे 100 रुपए दिए। मैं अभी आता हूँ लक्ष्मी, तेरी तो। ये शराबी खुद तो कुछ करता नहीं, बीवी 4 पैसे कमाती है उसके पीछे पड़ा रहता है। काम तो कुछ करता नहीं, बातें बड़ी बड़ी करता है। ए, क्या करा रे, कोई ढंग का काम करा कर। उठ, चल उठ। क्या कर रहे हैं? अरे आजकल तुम बहुत ज्यादा छिपा रही हो, इतनी हिम्मत कि तुम अपने पति से छिपाओगी? क्या कह रहे हैं? पटेल ने तुम्हें किस चीज के लिए पैसे दिए? आज सुबह काम करते समय बच्चों के पैरों में चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें दवा खाने ले जाने के लिए पैसे दिए थे। वो पैसे कहाँ हैं? मेरे हाथ में दे। अरे वो पैसे दे मुझे। क्या कर रहे हैं? दे दो। रुकिए रुकिए, मैं देती हूँ। अरे जय हो लक्ष्मी माता, तेरे बिना घर में पैसा नहीं आता। जगत जीवन की ज्योति माता, ए मेरे जीवन की ज्योति माता। ओ, सच में ये गाना तुम पर कितना सूट होता है लक्ष्मी। चलो इधर से, क्या घूम रहे हो? नहीं करेंगे, चलो इधर। आज बहुत अच्छा किया तूने, अगली बार किसी बड़े पत्थर पर से कूदा ना, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो दारू की दुकान ही खरीद लेंगे। शाबाश बेटा, अब कुछ देर आराम कर, मैं आता हूँ, जरा कुछ लेके आता हूँ। पता नहीं कौन सा पाप किया था कि भगवान ने मुझे ऐसा पति दिया।
दीदी। हाँ क्या हुआ लक्ष्मी? कल रात से ही मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है दीदी, अगर आप कुछ खाने को दे दें तो। वो नशेड़ी खुद तो कुछ काम करता नहीं है और तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देता है। देखती हूँ घर में क्या है खाने को, वो लेकर आती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी चावल है पर कोई सब्जी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी। हाँ चुप हो जा, चुप हो जा, रोते नहीं, नहीं रोते, थोड़ी देर रुक जाओ, माँ खाना लाती होगी। भाभी, गौरी भाभी, क्या हुआ लक्ष्मी, क्या काम है? भाभी थोड़ी सब्जी है तो दे दीजिए। अरे सब्जी तो नहीं है पर थोड़ा सा अचार है, ला दूं? अरे चुप हो जा, नहीं रोते, चुप हो जा। बहुत भूख लगी है। ठीक है मैं खाना लाई हूँ। वो हमें खाने के साथ अपना प्यार भी खिलाती, और जब बेटे का पेट भर जाता है तो उसी से माँ का भी पेट भर जाता है, और इसी को माँ का प्यार कहते हैं। लो माँ आप भी खाओ ना, मुझे भूख नहीं है। भूख लग रही है। कल काम करके जो चार पैसे मिले थे वो तो तुमने शराब में उड़ा दिए, अब खाना कहाँ से लाऊं? आजकल बहुत ज्यादा बोल रही है रे तू। ये बच्चे खाए या नहीं खाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खाना मिलना चाहिए, बस खाना दे। अभी बच्चों को छोड़। जब बच्चों को पालने की औकात नहीं थी तो बच्चे क्यों पैदा किए? उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। क्या बोल रही है तू? चुप हो जा। अब बोलने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। अपना मुंह बंद कर और इन बच्चों को लेके कहीं चली जा, जा मर जा लेके इनको साथ में, जा यहाँ से, मुझसे जवान लड़ाती है, हट, चल जा, ये घर मेरा है, मेरे हिसाब से रह, नहीं तो निकल जा यहाँ से। अरे ए कुंभकर्ण चल उठ, सोता रहता है, भाग। कहाँ से पैदा हो गए ऐसे निकम्मे बच्चे मेरे। आप हमें यहाँ क्यों लाए हो माँ? भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन क्यों माँ, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं क्या? इतने साल हो गए हैं, तुम्हारे पापा अब तक नहीं बदले और ना ही हमारी जिंदगी बदली। तुम लोगों को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकती तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? हम सब लोग काम करने जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे माँ। नहीं बेटा, हमारे लिए मर जाना ही अच्छा है, मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं देख सकती। माँ अगर हम यहाँ जान दे देंगे तो तुम हमें कभी नहीं देख पाओगी। हमें नहीं मरना है माँ। नहीं नहीं बेटा चलो। कैसे हैं आप भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो बहन? आपको तो मेरे बारे में पता ही है, बच्चों को किसी तरह पाल रही हूँ बस। तुम ये कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे घर के काम आएंगे। नहीं भैया, अगर भाभी को मालूम पड़ेगा तो वो झगड़ा करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इन्हें रख लो। आप कुछ खाकर जाइएगा, आप सुबह से निकले होंगे ना? अभी नहीं बहन, घर जाने के लिए एक ही बस है, अगर छूट गए तो दो दिन रुकना पड़ेगा। ठीक से रहना बेटी और माँ का ध्यान रखना। अच्छा मैं चलता हूँ लक्ष्मी, तुम थोड़ा धैर्य रखना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। Oh.
हमारे भविष्य के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो हमारी माँ है। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो हमें अच्छे से पढ़ाना चाहती है। ए, बस कर बस हा? कर अब क्या हीरो बन के ही रहेगा तू? स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी कर। हाँ ये लो, सब लोग अच्छे से पढ़ना। हम चलते हैं माँ, अपना ध्यान रखना। टाटा। ओ रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ले उन लोगों को तो खाना दे दिया, मेरा कहाँ है? ये रहा। तुझे देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है बेटा। चाहे घर में कितनी भी परेशानी हो, बच्चों को भूखा नहीं रखती थी। बच्चों आज हम टेबल सीखेंगे। माही, ए माही, क्या सोच रहे हो तुम? चलो खड़े हो जाओ। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं है तो इतनी देर से बुला रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? सर आप जो समझा रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। दिमाग को क्या घर पे छोड़ के आया है? जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ो। नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं काम करने जाऊंगा। क्या कहा, काम करेगा? चल हाथ आगे कर, कर आगे जा। पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करेगा काम? ये पढ़ाई लिखाई तो मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाली है। कैसे भी मुझे माँ की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। बाबा आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तो खाली बैठा हूँ। चल जा। अरे कहाँ जा रहा है तू? यहीं पे जा रहा हूँ। ये 10 रुपए ले और जाकर के बीड़ी लेकर आ। लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 रुपए तू रख लेना। अंकल 2 बीड़ी के पैकेट देना। बाकी पैसे कहाँ हैं? अरे कौन से पैसे? 2 बीड़ी के पैकेट 6 रुपए के होंगे ना, बगल वाली दुकान में 5 रुपए में दे रहा है। तू तो पीता नहीं, तुझे कैसे पता? अंकल ये काम करने से मुझे 2 ही रुपए बचेंगे। पैसे कमाने के लिए क्या दिमाग लगाया है? ये लो भैया बीड़ी, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है। ये बच्चा तो बहुत ही होशियार है यार। आज का दिन कैसा था? अच्छा था माँ। थोड़ा मन लगा कर पढ़ा करो, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनना है ना, अपने पापा की तरह मत बनना। ये दोनों मेरे भाई हैं माँ, हीरे हैं। जाओ। रोज स्कूल जाने के लिए मैं घर से आता तो था, लेकिन अपने स्लेट को कहीं छिपाकर जो लोग पत्ते खेलते थे उनके काम करना और उनके दिए हुए पैसों को जमा करता था। क्या हुआ लक्ष्मी, बहुत खुश दिख रही है, क्या बात है? तेरा क्या है, आजकल तो बहुत पैसे कमा रही है। और वैसे भी सब लोग तेरे हाथ में ही पैसे रखते हैं। कहना क्या चाहता है तू? जो भी कहना है साफ साफ बोल। लड़कियों का क्या है, वो तो दूसरे की अमानत होती है। तुम दोनों बहुत अच्छा कमा रही हो, तुम यहाँ और वो वहाँ। मेरे बारे में तो तुझे पता है ना, घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है? अरे चुप कर, तेरा लौंडा वहाँ पत्ते खेल रहा है और तू यहाँ पत्थर तोड़ रही है, और कुछ बताऊँ क्या? मुँह बंद कर, बच्चों के बारे में कुछ कहा तो जान से मार दूंगी। और मैं अपने बेटे से क्यों काम करवाऊंगी? वो स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करता है। मेरे पे यकीन नहीं है ना, जाके खुद देख लेना, तब पता चलेगा तुझे। माँ पढ़ाई हो गई? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से क्या, स्कूल से आ रहा हूँ। स्कूल से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो? अगर सच बता दोगे तो अच्छा रहेगा। स्कूल से आ रहा हूँ, सच कह रहा हूँ माँ। स्कूल के नाम पर आवारा गति कर रही हो? ये क्या माँ, छोटे बच्चे को मार रही हो, मार डालोगी कैसे? बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये लोग, अब छोटे बच्चे कहाँ रह गए हैं? स्कूल जा रहे हैं कहकर कहाँ जाते हो तुम लोग?
शर्म नहीं आती स्कूल के नाम पर झूठ कहते हो? बिल्कुल अपने बाप पर गया है जी। क्या किया है तूने मुझे बता, बता ना, बोल तो। माही, पढ़ाई छोड़कर ये क्या काम कर रहा है? कल तू स्कूल जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना, मेरी बात मानेगा ना बेटा? माँ, आप और दीदी इतनी मेहनत करते हो, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, अगर स्कूल नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कहते बेटा, अगर स्कूल जाएगा तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, मेरी बात मान जा बेटा। पढ़ लिख कर बड़ा बनने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है माँ, पर दिमाग लगाकर काम करने में मजा आता है। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई को मैं मेहनत करके पढ़ाऊंगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ये ऊपर वाले जीवन के लपड़ों की गोली बना के मुंह में तू रख के रे चट कर जा, चट कर जा, स्वाद कैसा भी आए रे चट कर जा, ए चट कर जा। ये ऊपर वाले हमारे नेताजी इस बार इलेक्शन में हार गए, इसलिए तो मैं उस दुख में पी रहा हूँ रे। सुना भगवान, जब तक असेंबली में साइकिल पे चढ़कर वापस नहीं आते है ना, तब तक मैं ये दारू पीता रहूंगा। और वैसे भी इसके पास पैसे आते रहते हैं मुफ्त में, औरत के कमाई से दारू पीता रहता है ये। अरे वो मुझे क्या देगी, जो उसका है वो मेरा है। पुण्य भूमि तू है तुझे नमो नमामि, तुझ पे कुर्बान देश नमो नमामि। पुण्य मेरी भूमि तुझे नमो नमामि। भैया, हाँ, आपने किताबें खरीदने के लिए माँ से पैसे मांगे थे ना, ये लो। माही गुड़िया, ये लो। Thank you.
तू कब आया बेटा? बस अभी आया माँ, ये लो। सुनो लक्ष्मी, देर हो रही है, हमें बहन की बेटी की शादी में जाना है। मैं नहीं आ रही हूँ, तुम चले जाओ। ऐसा क्यों? तो फिर मुझे पैसे दो, चला जाऊंगा। पैसे देने के लिए मैंने कोई बैंक नहीं खोल रखा है। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। कल जो पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? कल दिए थे क्या? पर कितने कितने दिए थे? अरे वो तो कल ही खत्म हो गए, उसके बाद 50 रुपए उधार लिए। लक्ष्मी बेकार की बात छोड़, मुझे शादी में जाना है, मुझे 100 रुपए चाहिए। तुझे पता है ना मुझे चाहिए, मतलब चाहिए तो तुझे देने होंगे, वरना मैं तेरे पैर पकड़ लूंगा। जब तक मुझे पैसे नहीं देगी मैं तेरे पैर नहीं छोड़ने वाला, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। पैसे चाहिए होते हैं तो पैरों में पड़ जाते हैं। पैसे लेने के लिए बताओ बीवी के पैरों में गिरना पड़ता है? दूसरों की शादी में जाने से कुछ नहीं होगा, हमारे घर में भी एक जवान बेटी है, उसकी शादी में भी तो हमें दहेज देना होगा ना। पर तुम्हें तो हर समय एक ही चीज दिखती है, शराब शराब शराब। हाँ, जैसे मुझे मुफ्त में पिलाने के लिए तो वहाँ कोई बैठा रहता है। तू अपने बर्तन मांजना। बीवी आएगी आएगी, बीवी आएगी, पैसे लाएगी लाएगी, वो तो लाएगी। अब जब शादी में जा ही रहे हो तो दीदी से कहना कि इसके लिए भी रिश्ता देखे। अरे किसी की बीवी हो तो लक्ष्मी जैसी, तेरी आरती उतारू रे मेरी लक्ष्मी माता। चलो हम तो चले अपने गांव। 50 रुपए बचा कर रखना। हाँ, लेकिन क्यों? नहीं तो वापस कैसे आओगे पैदल? हाँ ठीक है ठीक है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ, शादी खत्म हो गई क्या? भैया कैसी हो दीदी? जीजा जी कहाँ है? शादी के मंडप में। अच्छा लक्ष्मी नहीं आई है क्या, और बच्चों को नहीं लाए? अरे वो लक्ष्मी के साथ काम पे गए। आप तो हमेशा पीकर घूमते रहते हो, वो अकेले ही कमाती है और बच्चों को पालती है। अब बस करो और अपने परिवार की देखभाल करो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। ठीक है मैं शादी के मंडप में जा रही हूँ, आप भी आ जाओ, पता नहीं ये कब सुधरेंगे। अगर आदमी नहीं पिएगा तो उसमें इंसानियत नहीं बच पाएगी। मैं तो कहता हूँ औरतों को भी पीना शुरू कर देना चाहिए, अच्छी इंसान बन जाएंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बेटा कैसे हो तुम? मैं अभी तक याद नहीं आया तुम्हें, पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम उस रामू के बेटे स्वामी राजू ही हो ना? हाँ, कल्याण राजू। अरे गलत नाम बोल दिया, गलत मत समझना। ठीक है अंकल, कुछ नहीं होगा। यहाँ नहीं दिख रहे हो, किस गांव से हो? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अपने बेटे के बहन की बेटी की शादी में आया हूँ। फिर तो अपनी बहुत जमने वाली है। हाँ? वो मेरी दूर की बड़ी माँ है। अरे फिर तो हमारा रिश्ता बन गया रे। ठीक है आप मेरे गांव में हैं तो मैं अपनी बहन की शादी में आपको दावत जरूर दूंगा। अरे बेटा हाँ? तुम्हारी शादी हो गई क्या? अरे बाप रे। नहीं अभी तक नहीं, अभी रिश्ता देख रहे हैं। अरे राजू बेटा फिर मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। अंकल शादी का टाइम हो गया है। अरे होने देना बेटा, बहन की बेटी की शादी में आया हूँ और मुझे मेरी बेटी के लिए रिश्ता मिल गया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अंकल ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा। अच्छा दामाद मिल गया। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, ठीक है? अरे कब आए तुम? अभी आया जीजा जी, आप तो शादी की बात करने गए थे। हे लक्ष्मी जल्दी बाहर आ, तुझे कुछ बताना है। शादी कैसी रही? बहुत ही अच्छी रही। लक्ष्मी अपनी बेटी दुर्गा के लिए एक अच्छा रिश्ता देख कर आया हूँ। रिश्ता देखा? कौन है वो?
कल्याण राजू नाम है उसका, बहुत अच्छा लड़का है और वो अपने बाप का इकलौता बेटा है। मुझे तो बहुत पसंद आया, मैं शादी का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। साले साहब मुझे जरा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भैया वो गांव हमारे नजदीक है ना, आप उसके बारे में पता कीजिए। ठीक है बहन। मेरे दोनों मामा कल्याण राजू के परिवार के बारे में पता लगाने के लिए निकल गए। लोगों ने बताया कि परिवार ठीक नहीं है और लड़का शराब पीता है। उस लड़के से दीदी की शादी ना करने की ठानी और साथ ही पिताजी को भी बहुत सुनाया। जीजा जी वो परिवार तो बहुत बुरा है। क्या हुआ भैया, क्या बात है? वो परिवार तो बहुत ही बुरा है बहन, वो लड़का और उसका बाप दोनों शराब की दुकान पर ही बैठे रहते हैं। सुनो वो बंद करो, मेरा दावा तुम्हें मेरे जैसा ही दिखता होगा। उनका परिवार कल मेरी बेटी को देखने आ रहा है, मैंने उन्हें जबान दे दी है। नहीं जीजा जी, बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं जबान दे चुका हूँ, मना किया तो मेरी इज्जत जाएगी। ये लोग कह रहे हैं ना अच्छा आदमी नहीं है, बेटी की जिंदगी का सवाल है, कोई भी बहाना बनाकर उन्हें मना कर दो ना। चुप करो, एक रिश्ता लेकर आया और उसके लिए मना कर रहे हो, किससे करोगी शादी फिर? हम अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे, ये रिश्ता मत कीजिए जीजा जी। तुम क्या देखोगे और मैं क्या करूँगा, मेरी बेटी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतने दिनों से क्या कर रहे थे तुम, अचानक हितैषी बन के आ गए? हम अपनी बहन की वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी भांजी को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें देख लेंगे। चलता हूँ बहन, चलो। क्यों बेटी, मैं जो रिश्ता लेकर आया हूँ उसे ठुकरा देगी? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। शाबाश बेटी शाबाश, वो कल रिश्ता लेकर आएंगे, मैं अच्छे पंडित को ढूंढ कर लाता हूँ। तूने रिश्ते के लिए हाँ क्यों कह दी, कम से कम हर दिन पी कर वो मुझे मारेंगे तो नहीं ना? और वैसे भी पीने वाले के साथ रिश्ता कैसा होता है वो जन्म लेने के बाद से ही इस परिवार में देख रही हूँ। अगर मैं रिश्ते को हाँ नहीं कहती तो पापा रोज रोज पी कर आपको मारते। जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा बेटा, तू रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा। सीता राम का विवाह जगत में सबसे सुंदर था, जय सीता राम का विवाह सबसे सुंदर था। अरे क्या हुआ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। दीदी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बेटी दुर्गा को कल लड़के वाले देखने आ रहे, आप ही सबसे बड़ी हो, आप वहाँ जरूर आना। अरे नहीं, अरे दीदी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, वहाँ जरूर आना, जरूर आना। आ जाऊंगी, आपको अंगूर की कसम जरूर आना। पैसे कहाँ है? दीदी दुर्गा की शादी हो रही है, उस खुशी में बस पिए ही जा रहा हूँ मैं। शादी होने के बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा ना। पैर पड़ता हूँ दीदी, पैर पड़ता हूँ। सीता राम का विवाह सबसे सुंदर विवाह था। समधी जी नमस्ते। आइए साहब, आइए आइए, स्वागत है, आइए। ए लक्ष्मी सुनो, दामाद जी आए हैं, पानी लाओ। आइए दामाद जी, आइए आइए आइए। समधी जी आइए, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है। ये लीजिए, पैर धो लीजिए। सब ठीक है ना बेटा? अरे मेरे दामाद बहुत अच्छे दिख नहीं रहा क्या, एकदम पहलवान की तरह। भैया जरा रुकिए, पहले इन्हें तो बात करने दीजिए। हाँ ठीक है बात कर लीजिए। सुनिए हम अपनी बेटी की ज्यादा तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी दुर्गा बहुत अच्छी है, वो बड़ी शांत है मगर 10 लोगों का काम अकेले ही कर डालती है। हमारा लड़का भी कम नहीं है, पहलवान है पहलवान। लक्ष्मी क्या कहा था, मैंने कहा था ना ये दुर्गा दामाद जी के लिए चाय ला, जल्दी ला बेटा। बेटा मेरी बेटी पसंद आई क्या? बहुत पसंद आई। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। अरे जरा रुको तो। समझ गया, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। दुर्गा बेटी तुम अंदर जाओ। भैया अगर आप कुछ कहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। दुर्गा बेटी तो हमें पसंद है, लेकिन दहेज। आपको पता नहीं है क्या, ये लोग बहुत मेहनत करके जीते हैं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, 2 एकड़ जमीन भी है, मुझे 10,000 रुपया और एक गाड़ी दे दीजिए। आपको 10,000 देने की हमारी हैसियत नहीं है। 10,000 दहेज बहुत ज्यादा है, अब आपको हम 5,000 दहेज देंगे, अब मान भी जाइए ना।
ठीक है, हमने लक्ष्मी के बारे में अच्छा सुना है और आपकी बेटी भी मुझे पसंद है, इसीलिए आप ये रिश्ता पक्का समझिए। दीदी मैं आपके पैर पड़ता हूँ। लक्ष्मी एकादशी सबसे अच्छा मुहूर्त है, आप अपना शगुन एक दूसरे को दे दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरि। चलो भैया एक दूसरे को हार पहनाइए। आराम से पीकर जाना कन्या, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, पीकर जाना वर कन्या को, सूखे मत जाना। दीदी महाफलेशु कदाचन। अरे बस बस दुर्गा माँ स्वाहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसकी वजह से मुझे ये सब मिला। ए अच्छे से ढोलक बजाओ। तुम लोग किसके बुलावे पर मेरी बेटी की शादी में आए हो? अब ये झगड़ा क्यों चीजा जी? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, ना ही मेरी बीवी ने तुम्हें बुलाया। इतने लोगों के सामने क्यों तमाशा कर रहे हैं? एक तो ये अपनी भांजी की शादी देखने के लिए आया है, एक तो तुमने इसे बुलाया नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारी लाज रखी। ये होंगे मेरी बीवी के भाई, पर ये लोग हमेशा मुझे गाली देते रहते, मुझे गलत ठहराते, फिर हम मेरी बेटी की शादी में क्यों चले बिना बुलाए? बैठने बोलो इसे। जाओ जाकर बैठो। समझ में नहीं आ रहा है, जाओ जाकर बैठो। वक्र तुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नम गुरु में देव, शुभ कार्येषु सर्वदा। वक्र तुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नम गुरु में देव, शुभ कार्येषु सर्वदा। विवाह संपन्न हुआ। आज मेरी बेटी की शादी होगी, बहुत खुश हूँ। हमारी दुर्गा सोना है, इसका ख्याल रखना बेटा। ठीक है सासू माँ। जीजा जी। अरे अरे बस। ख्याल रखना। पापा। अपनी बेटी की शादी मैंने ही करवाई ना लक्ष्मी, राम सीता की जोड़ी है, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। धीरज रखो लक्ष्मी, धीरज रखो। देखते ही देखते मेरी बहन की शादी को 7 साल हो गए थे। पापा उठिए ना, पापा उठिए ना, चलिए यहाँ से चलते हैं। उठिए चलते हैं, ठीक से चलिए ना पापा, ठीक से। कितनी छोटी उम्र है, संभालिए पापा, कितनी परेशानी झेल रहे हो, और ये रोज दारू पी के टल्ली हो जाता है। तुम्हारी तकलीफ देख के मुझे बहुत दया आती है। अरे हाँ तुम्हारी बहन कैसी है, अपने घर घूमने आई क्या? अभी तक तो नहीं, पर वो ठीक है। ये कुली का काम करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास काम कर लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी, तुम अपने सारे उधार चुका सकोगे। क्या कहते हो, काम करोगे? नहीं आंटी, माँ नहीं चाहती कि मैं ऐसा काम करूं। ठीक है बेटा, सोच समझ के बताना, माँ कहेगी तो करोगे ना, चलो ध्यान से जाना। अरे सब पियो सब जियो। ओ कैसे आना हुआ, आप अच्छी तो है ना? हाँ अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं दुर्गा को घर लेने आऊंगी। ठीक है तो लेके जाइए ना। माँ दुर्गा बैठो बैठो बैठो। माँ तेरी तबीयत कैसी है बेटा? एकदम ठीक है माँ, अंदर चलिए ना। नहीं बेटा हमें जल्दी निकलना है, घर में तेरे छोटे भाई के पास कोई नहीं है। अच्छा सासू माँ आप खाना खा के जाइएगा, मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा अब दुर्गा हा? मैंने जो कहा था याद है ना, उसे जाके बोल। दामाजी क्या कह रहे थे बेटा? कह रहे थे जब मैं मायके वापस जाऊं तो एक गाड़ी साथ में लेकर आऊं। दहेज के पैसे भी अब तक नहीं चुका पाए। ठीक है देखते हैं। अपना सामान जल्दी उतारिए, आज कोई आदमी नहीं आया, तुम ही एक्स्ट्रा पैसे लेकर उतार दो। अरे मुझसे नहीं होगा सेठ, थोड़े ज्यादा पैसे ले लो भाई। अरे मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मैं सुबह से भटक रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। मैं तुम्हारी मेहनत के पैसे दे दूंगा। सेठ मुझसे नहीं होगा। सेठ जी आप वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं करता हूं। तुम सुबह से कुली का काम करते करते थक गए होगे ना? कुछ नहीं होगा सेठ जी, उतार लूंगा। ठीक है चलो उतारो। हाँ हाँ जल्दी उतारो, मुझे बाहर भी जाना है। अरे
भीग गया है रे तू? तो सबसे छोटा है, इसके बावजूद भी पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। अपने लिए ही तो कर रहा हूँ ना। तकलीफ तो नहीं होती है ना? तकलीफ क्या होती है दीदी, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को देखते ही खुश हो जाता हूँ। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है, हमारे परिवार की खुशी बनी रहे इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ। अच्छा, नया मेहमान कौन है बता? दीदी, भांजा तो मुझे मामा बुला रहा है। मुझे भी पूरा यकीन है कि इसे लड़का ही होगा। और तेरी बातें सच भी होती हैं। बेटा जाकर बगल वाली भाभी को बुला दो, जल्दी चल। चल जल्दी चल, ले तू ये पकड़। ठीक है माँ। दुर्गा इसे लेटा दे। दुर्गा हिम्मत रख बेटा। दुर्गा दुर्गा दीदी अंडी से आगे देखिए ना, मैं अंदर भेजो। ए तुम लोग अंदर जाओ। हां मां, हां मां दीदी। सब्र रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शांति रखो। हां सब ठीक हो जाएगा बेटा। गहरी सांस लो। अरे रे 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 रे, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? भूख लगी है? दीदी को बेटा पैदा होने के 6 महीने के बाद पहली बार उसका परिवार हमारे घर आया। आइए समधन जी, बैठिए ना। हाँ। कैसी हो दुर्गा? मैं ठीक हूँ। आइए दामाद जी। नाती के आने पे अपने दामाद को भूल ही गई आप? मेरा बेटा तो अपने मामा की तरह हाथ पर हिला रहा है ना सासू माँ? इसलिए जब वो इस घर से जाएगा ना तो एक अच्छी गाड़ी में ही जाएगा। इसके तीनों मामा इसके पैर जमीन पे लगने ही नहीं देंगे। क्या हुआ माई, कुछ बोल नहीं रहा तू? जीजा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तुम समझदार हो ना, मेरी बात समझ सकते हो। गाड़ी आने पे ही तुम्हारी बहन और तुम्हारा भांजा घर से निकलेंगे। तुम समझ गए ना? तो मैं चलता हूँ। वाह आ जाओ, हम चलते हैं दुर्गा बेटी। देखो लक्ष्मी, बेटी की शादी के लिए पैसे लिए तुम्हें बहुत समय हो गया और तुम्हारा टाइम भी पूरा हो गया। ना तुमने मूल दिया ना ब्याज। मैं तुम्हें 15 दिन की और मोहलत दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। ये बालियां गिरवी रख दूंगी तो उन पैसों से गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन तेरी शादी के लिए जो पैसे उधार लिए थे वो, हे भगवान। माँ चुप हो जाइए। रो मत माँ। मैंने और माँ ने बहुत मेहनत की पर उधार नहीं चुका पाए। माँ की ऐसी हालत देखने के बाद, गलत हो या सही, मैंने कांता आंटी की दारू की दुकान पर काम करने का फैसला किया। मुझे धोखा देगा? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अरे कुछ कमी थी तो मुझे बता दो। लेकिन तूने चोरी की है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तू यहाँ से चला जा, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, निकल यहाँ से, चल भाग। दीदी मैं जाकर आता हूँ। ये पैसे जानकी को दे दे। ठीक है दीदी। क्या हुआ, तू कैसे आया? आपके पास काम करने आया हूँ। तू अपनी माँ से कह के आया है? नहीं दीदी। जब मैंने कहा था तो मना कर दिया। मुझे बस काम चाहिए दीदी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, कर लेना काम। कांता दीदी के यहाँ काम करने के कुछ समय बाद ही मैं उस काम में बहुत माहिर हो गया था और दीदी को भी मुझ पे बहुत भरोसा था। वहां पर अगर किसी की चलती थी तो वो मैं था। पैसे दे दो भैया। क्या कहा, पैसे मांगेगा? मुझसे पैसे मांगेगा तू? झगड़ा मत कीजिए भैया, तू तुझे पैसे दे दीजिए। नमस्ते माँ। चल जा यहाँ से। नमस्ते भाई।
ये कौन है? ये लोग तो अब अपने ही आदमियों को सताने लगे हैं। भैया पैसे दे दीजिए। अरे जाना यहाँ से। क्या हुआ भाई, झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इन्होंने यहाँ पे दारू पी है, दारू के पैसे मांग रहा हूँ तो झगड़ा कर रहा है। ये कहीं का तोप है क्या जो इससे कहलवा रहा है तू? क्या रे, कौन है तू? भैया आपके पास पैसे नहीं है या जानबूझ के नहीं दे रहे? मुझसे पैसा मांगेगा तो धंधा नहीं कर पाएगा तू। भैया पीने के बाद यहाँ सभी अकड़ते हैं, इस धंधे में डर नहीं होता। और आप जैसे लोगों को जिसके पास पैसा होता है वो ऐसा धंधा नहीं करता, लेकिन भूख के मारे तड़प के जो सो जाता है वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाता है। पैसे दे दे भाई। तुझे लगता है कि मैं अकेला यहाँ आया हूँ? पूरी गैंग को साथ लेकर आया हूँ। क्या कर लेगा तू? हाँ तेरी तो। भाई भाई हमें माफ कर दो, ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो। भाई भाई उठो भाई, चलो 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 चलो। ए तुम्हारा यहाँ कभी दिखाई मत देना। क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक नहीं है बेटा। डॉक्टर के पास नहीं गई क्या? जो पैसे तुमने दिए थे वो मेरे बेटे ने छीन लिए, अब और पैसे देने की जरूरत नहीं है। ए भाई साहब, ये पैसे ले और दादी को ले जाके अच्छे से इलाज करा, समझा ना? सुखी रहो बेटा। क्या कर रही है? ऐसा मत करिए दादी, मैं आपके बेटे समान हूँ। इनका अपना बेटा जब पैसे नहीं देता है तो तुम इन्हें हमेशा पैसे क्यों देते हो? ए माँ कोई भी हो, माँ ही होती है। जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकते वो चाहे किसी महल में हो या किसी झोपड़ी में, वो इंसान ही नहीं होते। जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया में भगवान हो या इंसान, बिना माँ के कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अगर हम अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखते हैं ना तो उनका आशीर्वाद ही हमें ऊपर तक ले जाता है। माँ से बढ़कर अगर कोई है तो मुझे बताना। चला जा, लेके चले नहीं। उठो माता जी, जाइए आराम से। इतना बोलने के बाद भी चुप होने का नाम नहीं लेता। माँ 200 रुपए देना। देती हूँ ना, पर उसे उस फोटो वाले के पास छोड़कर आ जाओ। ये लो, अब देखो वो कैसे बर्तन फेंक रही है। अरे ये सब उसे नहीं होगा माँ। अरे मैं उसे लेकर नहीं जाऊंगा माँ। रुक तो सही, उसे लेके जा। अरे बाप रे बाप, कैसे बर्तन फेंक रही है, सुबह से रोए ही जा रही है। अरे थोड़ा सबर कर। क्या हुआ दीदी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे तो नाम के ही बेटे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं तो उनसे तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ दीदी बताओ ना। अरे जानकी का जन्मदिन है, जब तक वो अपनी फोटो नहीं खिंचवाती है कोई काम नहीं करती है। आज फोटो वाला नहीं आया तो बर्तन फेंक रही है। फोटो के लिए? उसके लिए इतना नाटक कर रही है? अरे कल मैं आते समय उसे ले आऊंगा। अरे हमें कल नहीं चाहिए, आज ही चाहिए, उसे बहुत गुस्सा आता है। आज ही? जरा तू यहीं से अपने साथ लेकर जाओ, फोटो खिंचा के वापस ले आना। बुलाइए उसे। वो अंदर बैठी है, मनाकर फोटो खिंचाने ले जाओ। अब रोना बंद कर, जब देखो तब रोती रहती है। चलो मैं तुम्हारी फोटो खिंचवा देता हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ, मान गई क्या? आ रही है। माँ मैं फोटो खिंचवाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जा अच्छी सी फोटो खिंचाना। एक मिनट रुक, ये पैसे लेकर जा और जो चाहे वो खरीद लेना। ये ले तू भी रख। ठीक है दीदी। आराम से जाना। बाय। एक फोटो के लिए तुम इतना नाटक दिखा रही थी। पहले तुम आगे देख के गाड़ी चलाओ। वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। मैंने फोटो खिंचाने के लिए पहनी है। दो दिन बाद मिलेंगे। ठीक है चलें अब। फोटोज दो दिन के बाद मिलेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना अच्छी चाहिए तो 2 दिन लग जाएंगे। तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी निकली है, चलो अब चलते हैं ना। फोटो के लिए थैंक्स। Oh,
जगह तुमने अपने हाथों से पैसे दिए, पर यहाँ पर मुझसे क्यों दिलवाए? दान लड़कियों के हाथ से करवाना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ स्वयं लक्ष्मी माँ का रूप होती हैं। अगर माँ अच्छी होती है तो हम सब अच्छे होते हैं। क्या बात कही है माही? हे हे, रुको रुको, क्या हुआ? तो खुश है ना? चल अंदर जा। दीदी, गाड़ी की चाबी। तुम बहुत अच्छे हो माही। अभी मैं चलता हूँ। ए, जरा इधर रुक। अब आया है तो खाना खा के ही जा। दीदी, बैठ ना। ठीक है दीदी। इसके लिए भी परोसो। तो मैं चलूं दीदी? ठीक से जाना। हाँ ठीक है। माँ, क्या हुआ आपको? अब क्या बताऊं तुझे, वो लोग फिर से तेरी दीदी को घर भेज रहे हैं। कल सुबह वो बस से आ रही है। ये तो मैं, अब गुस्सा दिखाने से क्या होगा बेटा, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस अपने बच्चों के लिए जी रही है, वरना तो कब की मर चुकी होती वो। दीदी, चल आराम से उतर। चल आ जाओ, आराम से बैठ। चलो नहीं है, तू तो मेरी जिम्मेदारी है बेटा। रो मत, मैंने कितनी बार सोचा यहाँ नहीं आऊं, पर बताओ मैं जाती भी कहाँ माँ? आखिरी बार बस तुम्हें देखना चाहती थी। ऐसा मत बोल बेटा। उसने मुझे मारा, मैंने सह लिया, खाना नहीं दिया मुझे, भूखी रह ली, लेकिन इस भूखे बच्चे को कैसे पालूं माँ? कुछ नहीं होगा, चल अंदर चल। माई भाई, क्या हो गया, बड़े उदास से दिख रहे हो। कुछ नहीं हुआ यार। आओ माही, फोटोज मिले? अभी तो नहीं। क्या हुआ, बहुत उदास हो? कुछ नहीं हुआ दीदी, मेरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने फिर दुर्गा को मारा क्या? हाँ दीदी, और अपना माल भी पकड़ा गया। वो कैसे? ड्राइवर, गाड़ी पुलिस स्टेशन में ले चलो। बस में दारू लेके आता है, दारू का धंधा करता है। सर छोड़ दीजिए। क्या है? यही थोड़े ना शराब का धंधा करता है, और भी बहुत लोग करते हैं ना, ये तो पेट के लिए करता है। एक पेटी बेचने के बाद ही इसे 50 रुपए मिलते हैं। क्या गलत करता है सर, अगर ये ऐसा काम करता है तो? आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये बच्चा है सर, छोड़िए इसे। अरे माही तू जा यहाँ से, जा। अरे जाना, चलो चलो जाने दो, ये ले अपनी बोरी। वो तो कंडक्टर ने मुझे बचा लिया दीदी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, घर जाओ अपने। ठीक है दीदी।
मेरी दीदी के घर आने के एक हफ्ते बाद भी वो इंसान सुधरा नहीं। क्या हुआ माही, आज काम पे नहीं आए तुम? फोटो लेने गया था दीदी। ठीक है, इसे दे के आओ और आते समय सेठ से माल लेकर आना, मैं अपने अड्डे पे जा रही हूँ। ठीक है दीदी। हे माही, फोटोज लाए हो क्या? अभी तक तो नहीं। तो ले जाओ। मुझे यहाँ पंचायत में क्यों बुलाया गया है बताइए मुझे। मेरी बेटी दुर्गा को तुम्हें ठीक से रखना होगा, इसलिए बुलाया है। ठीक से नहीं रखता हूँ मतलब? उसे रोड पे छोड़ दिया है क्या? जब तुम इसका ध्यान नहीं रख सकते, बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, जब इतनी भी हिम्मत नहीं है तो फिर शादी क्यों की? अगर मैं अपनी बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता हूँ तो तुम लोग संभाल रहे हो क्या? चार बच्चों के बाप बन गए हो, अभी तक तुम्हारा दिमाग सही नहीं हुआ? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधर जाओ। अगर तूने दोबारा मेरी दीदी पे हाथ उठाया ना, मैं जान से मार दूंगा तुझे। सरपंच जी समझा दीजिए इसे, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ ये। मुझे डर लग रहा है माँ, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं दीदी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ ही रहो। ए, तुम लोग होते कौन हो मुझे बताने वाले? जब से तेरी बहन शादी करके मेरे घर में आई है ना, उसके ऊपर से तुम लोगों का अधिकार खत्म हो गया। वो मेरी बीवी है, जैसे चाहूंगा वैसे रखूंगा। और तुम लोग होते कौन हो बोलने वाले? अगर कुछ बोलना है ना तो अपने बाप से बोलो बोलने के लिए। उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये जो कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ। अगर दुर्गा को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दारू की बोतल मुफ्त में दे दी तो तूने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, तू मुझसे बात करेगा क्या? आज से मेरी बीवी और मेरे बारे में कुछ भी बोलना मत, समझ गए? नहीं तो तेरा बेटा मुझ पे हाथ उठाएगा। साले ऐसे होते हैं क्या? ए, चल बोला ना, चल आजा बेटा। माँ, दीदी को कुछ होगा तो नहीं ना? वो तो जाने के लिए भी मना कर रही थी, हमने ही उसे जबरदस्ती भेजा, पता नहीं उसका क्या हाल होगा वहाँ। माँ, माँ, दीदी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दीदी को। बीबी को ऐसे क्यों मार रहे हो? मेरी बीबी है, जो चाहे करूंगा, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? आज तुम मरेगी मेरे हाथों से, सब तुझे कोई नहीं बचा सकता। Hey!
मेरी दीदी को तूने मार डाला, मेरी दीदी को तूने मार डाला। नहीं भाई, छोड़ दे, छोड़ दीजिए मुझे, मैं छोड़ दूँगा। हे भगवान, मेरी बेटी को मार डाला इसने। वो तो जाने से मना कर रही थी, पर मैंने ही उसे वहाँ भेज दिया। अब तो आपको सुकून मिल गया ना, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। अपनी गलती मानता हूँ लक्ष्मी, उसके बाप ने कहा मेरा बेटा बहुत अच्छा, सोचा वो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा, उसे मरवाने के लिए शादी नहीं करूंगा। मेरी बच्ची, आगे खोल बेटा। कैसे हुआ ये सब, क्या किसी ने कुछ देखा? ये कल रात में हुआ सर, उन बच्चों से पूछे ना सर। तुम्हारी माँ को किसने मारा है बेटा? पापा ने। उसे लेकर चलो। चल। दीदी की मौत के बाद माँ बहुत उदास रहने लग गई। उसकी उदासी खत्म होने में बहुत समय लग गया। अभी मेरी माँ आटा पीसने की चक्की चलाती है। मैंने अपने खुद की एक दारू की दुकान खोल ली और ये बात कांता दीदी को पसंद नहीं आई। मैं ये सब कर रहा हूँ ये मेरी माँ को नहीं पता था, और मैं जब भी झूठ बोलता था तो अपनी माँ की आंखों में देख नहीं पाता था। कांता दीदी का धंधा कम हो गया और मेरा चल निकला। सरकार ने देसी शराब बंद कर दी और उधर वो माही अपनी खुद की शराब बेच रहा है, हमारे खिलाफ हो गया है। हमें दुकान चलाने में परेशानी हो रही है, अब इसे रोकना होगा। हम उसकी वजह से अपना धंधा क्यों बंद करेंगे माँ, और वो आपसे सीख कर आप ही की दुकान बंद करवाएगा क्या? उस पर दया करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मुझे उस लड़के पर पहले से ही शक था, पर तुम ही उसे बेटा बेटा कहती रहती थी, और आज वो तुम्हारे ही खिलाफ काम कर रहा है। भैया हम उसे मार देते हैं। नहीं बेटा, तू जल्दबाजी मत कर, वो परेशान होकर बैठने वालों में से नहीं है, वो परेशानियों से लड़ना जानता है। उसने कड़ी मेहनत करके इस गांव में अपना नाम बनाया है, देखते हैं समय नहीं बदलेगा क्या, कभी ना कभी तो वो नीचे गिरेगा ही। उस माही का धंधा बंद करवाने के लिए क्या करना है अच्छी तरह से पता है। मालिक, अब फिर से इलेक्शन आने वाला है ना, तो गांव के सभी लोगों को बुलाकर बात करते हैं। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें नाम शोहरत ओहदा चाहिए। दादा परदादा से लेके सिर्फ हमारा ही राज रहा है गांव पे, अब कौन आएगा? ठीक है मालिक। अरे जल्दी जल्दी करो, देर हो रही है। नमस्ते मालिक। पंचायत भी जाना है मुझे। नमस्ते मालिक। क्या हुआ रामा आज यहाँ? ये कौन है? मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है? चोटों के निशान की वजह से पहचान नहीं पाया। आपके आदमियों ने ही मारा है मालिक। क्यों मारा है ये भी तो बताओ। देखो रामा, जब अपने बेटे की शादी करवाई तो लड़की में क्या देखा था? गुण। और? जायदाद। और? जाति। अब तुम सही बात कर रहे हो, तुमने अपने बेटे की शादी अपनी जाति में करवाई, तो फिर जगन्नाथ के बेटे की शादी दूसरी जाति में कैसे हो सकती है? ये कहाँ का न्याय है रामा? गलत है ना? जगन्नाथ हमारी जात का आदमी है, वो मेरे पास आके बहुत रोया,
और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ रामा, तो न्याय के लिए ही अपने आदमियों को भेजा था मैंने। दोबारा अगर तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया तो पंचायत में तुम अकेले रह जाओगे। बात समझ गए ना? तुम बड़े हो, अनुभव भी बहुत है, तुम समझ जाओगे। अब जाओ। ठीक है मालिक। नमस्ते भैया। नमस्ते, क्या हुआ? आजकल दिख नहीं रहा है, काम में बहुत ज्यादा बिजी है क्या? अरे क्या बिजी भैया, उसकी वजह से धंधा खत्म हो गया है, अब उसने अपनी दुकान खोल ली, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तू मेरा भाई है, अपने अंडर काम करने वाला हमारी बराबरी में आएगा तो हम देखते रहेंगे। वो अपना काम छोड़ के तुम्हारे पास काम करने आएगा और मैं ऐसा करूंगा। तुम जाओ। ठीक है भैया। ए, अपने आदमियों को भेजकर उसका क्या करना है देखो जरा। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? ए, चुपचाप यहाँ से निकल। ए, तू मुझे धमका रहा है? नहीं, आखिरी बार समझा रहा हूँ। मैंने अपने बचपन से सिर्फ दो चीज सीखी है, मेहनत करके पेट पालना और बिना डरे आगे बढ़ना। Hey, watch it then.
लगाओ आग चला दूं, चला के रख दूं सबको। भागो भाई, माफ करना। तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों कर दी? आ जाओ। तुम्हारा क्या है, तुम तो कहीं भी घूमते हो लेकिन मुझे माँ से छुप कर आना होता है। हाँ तो अब बता क्या है करना। जानकी अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जानकी मैं भी तो फिर तुम्हारे घर पे आके बता दूं क्या? हे भगवान, पहले ही मेरी माँ और भैया दोनों तुमसे चिढ़े हुए हैं। वो तो मुझे भी पता है यार, तुम ही बताओ क्या किया जाए। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है इन झगड़ों की वजह से हमारी शादी नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस जानकी की शादी ना माँ ही से ही होगी। तुम बेकार की टेंशन मत लो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ठीक है अब मैं चलती हूँ, देर हो गई तो शायद कोई देख लेगा। ठीक है, बाय बाय। क्यों रो रही हो ऐसे? अगर नानी माँ देखेंगी तो वो कितनी दुखी हो जाएंगी। वो हमारी माँ से ज्यादा देखभाल करती हैं। चुप हो जा बहन। माँ हमें कोई परेशानी नहीं है। माँ तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है क्या बेटा? अगर तुम लोग खुश रहोगे तो तुम्हारी माँ को भी खुशी मिलेगी। रो मत बेटा, रो मत, माँ को बहुत बुरा लगेगा। वाले इलेक्शन के लिए स्थानीय कमिश्नर को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार कैसे भी आपको सरपंच के इलेक्शन में खड़ा होना है। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए हम इलेक्शन में खड़े होंगे। अपना प्रचार करने में जुटी हुई है। भैया माँ अभी तक घर नहीं आई है क्या? नहीं माही, अभी तक नहीं आई। देखते रहिए हमारा चैनल। माँ क्या हुआ? माँ आज इतनी देर क्यों हो गई आपको? त्योहार नजदीक आ रहा है ना, इसलिए मिल में बहुत लोग आए थे। ये सारे काम आप ही क्यों करती हैं माँ? अगर आप घर पे रहेंगी तो हमें ज्यादा खुशी मिलेगी माँ, लेकिन आप घर पे रहती ही नहीं है। क्या परेशानी है अब तुझे? भैया सही तो कह रहे हैं। माँ को कितना भी मना करो ये मानती नहीं है। जमाना आ गया रे, जो मेहनत करके काम करता है उसे घर में बैठने के लिए कहते हैं, और मैं खाली बैठा रहता हूँ तो मुझे काम करने के लिए कहते हैं। वैसे भी अपने को क्या, अपने को तो कोई परेशानी नहीं है, तो सो जाओ। नींदम ध्यानम। एसपी साहब अंदर हैं क्या? हाँ अंदर है, जाइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आ बैठो। भूपति भैया ने तो आपको बताया ही होगा। ये लीजिए पैसे, बाकी का काम होने के बाद। ठीक है अब तुम जाओ। ठीक है चलता हूँ सर। देख लो। छह साल से इन पत्थरों की शक्ल ही दिखा रहे हो, मुझे कहीं बाहर लेकर चलो ना। कल चलेंगे ना। तो माँ को क्या बोलूंगी? जानकी कल भी हम कैसे जाएंगे? माई की गाड़ी यहाँ पे, देखता हूँ। जानकी तेरी इतनी हिम्मत? ए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं इससे प्यार करता हूँ? माई, माई। जानकी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करने वाले हैं। तेरे घर पे आके बात करूंगा, जा। तुझे तो ए, चल निकलना। चल। क्या हुआ रे? इससे ही पूछ। बताओ क्या हुआ है? ये लड़की हमारी घर की इज्जत को सड़कों पे उछाल रही है। उस माही से प्यार करती है ये। तेरा दिमाग खराब हो गया है? उस भिखारी के साथ में इश्क लड़ा रही है तू? माँ
मैं माई से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मुंह बंद कर अपना, अगर दोबारा उसका नाम मार डालूंगी तुझे। दोबारा उसका नाम मत लेना इस घर में, बंद कर इसे, जा यहाँ से। चल अंदर। ओ सासू माँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो मुझे चाहिए। मेरी बेटी को तो मार दिया तुमने, अब अपने बच्चों को मारने आए हो क्या? नहीं भेजूंगी। मेरे बच्चों को नहीं भेजेगी ना तो देख लूंगा तुझे। तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। एक बार जेल जा चुका हूँ, दूसरी बार जाने से डर नहीं लगता। कैसे नहीं भेजेगी देखता हूँ मैं। ए, हटे यहाँ से। सारी बहू अच्छी है मेरी, बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। क्या हुआ लक्ष्मी, आज तुम घर बहुत जल्दी आ गई, क्या हुआ? आज मेल में राजू आया था, उसे उसके बच्चे चाहिए ऐसा कहकर झगड़ रहा था। पता नहीं अब वो बच्चों के साथ क्या करेगा। इसी दिन का इंतजार कर रहा था प्यारे साले साहब। अबे साला कौन है तेरा? कोई गुस्से से भी देख ले तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुमने तो दो बार मेरे ऊपर हाथ उठाया है ना, मरेगा मेरे हाथों से। तुझे तो मैं उसी दिन मार देता, लेकिन पहली बार बाप बीच में आ गया और दूसरी बार गांव वाले बीच में आ गए, लेकिन इस बार तो नहीं बचने वाला है। क्या हुआ? क्या हुआ? आज मैंने उसे मार डाला। शाबाश बेटा, शाबाश। उसे तो मैं ही मारने वाला था, पर वो काम मुझसे हो नहीं पाया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी को मारने वाले को मार के तूने न्याय किया है बेटा। इस वक्त मेरे दिल को बहुत खुशी मिल रही है। देखते हैं कौन आता है, देख लूंगा मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? तूने उसे क्यों मारा बेटा? जब दीदी ही नहीं रही तो उसके रहने से क्या फायदा? जैसे उसने दीदी को मारा उसी तरह मैंने उसे मार दिया। माही, माही, दरवाजा खोलो। माही, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।
मारेगा। हेलो, अब वो बाहर नहीं आएगा, तुम अब आराम से रह सकते हो और बाकी का पैसा मेरे घर भेज दे। खोल, मुंह खोल, सच बता। सर, आप चाहे मुझे कितना भी मारो, सच यही है। तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ माई, किसी को मारकर बच जाना आसान है लेकिन मुझसे बच पाना बहुत मुश्किल है। सर, मेरे जीजा जी मेरी जान थे, मैं उन्हें भला कैसे मार सकता हूँ? उनके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। मैं उन्हें इतना प्यार करता हूँ कि उनके नाम का मैंने टैटू बनवा रखा है। ए, ये ऐसे नहीं मानेगा, डालो इसे लॉकअप के अंदर। शादी अच्छे से होनी चाहिए, पंडित जी को सुबह आने के लिए बोल दो। तुम अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लो। ठीक है माँ। माँ, माँ ही बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वो मुझे खुश रखेगा। तुम मुझसे जितना प्यार करती हो वो उससे भी ज्यादा प्यार करता है। एक लड़की को और क्या चाहिए माँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, माही से मेरी शादी करवा दो। अगर तू ये बेकार की बातें करेगी ना, तो जिन हाथों से पाला है उन्हीं से मार दूंगी। माँ, मैं माही की खातिर मरने के लिए भी तैयार हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने चीजा को मार के जेल गया है, वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। मैं माही से बहुत प्यार करती हूँ माँ। तू मेरी बात नहीं मानेगी, चल अंदर जा, चल अंदर जा। शादी की तैयारी करने के लिए गिरी को बुलाओ। ठीक है माँ। हाँ, छोड़ दो उसे। भैया बेटा, अरे देखो तो कितनी बुरी तरह पीटा है इसे। पुलिस वाले हैं तो क्या इतनी बेरहमी से मारेंगे? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप मत रोइए। देखिए ना, मैं सामने हूँ। लक्ष्मी सुनो, हमारे पेट पर जो मार पड़ी है उससे बड़ी मार नहीं है। अब तुम रोना बंद करो और डरो मत। तुम दोनों सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे लग जाए, इसके ऊपर कोई केस नहीं बनना चाहिए, इसका ख्याल रखो। बेटा घबराना बिल्कुल नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। भाई भैया, भैया वहाँ जानकी की जबरदस्ती शादी की जा रही है। चल चल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके। अपना सगुन एक दूसरे को दीजिए। जानकी, मैं आ गया। जानकी, मैं आ गया। जानकी, तुम घबराओ मत। जानकी, क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे मुसीबत में सहारा दिया और तू मेरी बेटी से इश्क लड़ाने लगा? मेरे बेटे में क्या कमी है? तुमने अपने बेटे को गुंडे की तरह पाला है, उसके साथ मेरी बेटी कैसे खुश रहेगी? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। ऐसी शराब बेचने वाला, अपने जीजा को मारने वाला, मेरी बेटी का क्या हाल करेगा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? शराब बेचने वाला, किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे वाह, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। वो वही काम करता है और तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन के पैसे कमा रहा है? क्या ये जो कह रही है वो सच है माही? हाँ माँ। इस शराब की वजह से हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई ये तो अच्छी तरह से जानता है ना? इसी शराब की वजह से कितने लोगों की जिंदगी खराब हो रही है जानता है ना तू? परिवारों की बद्दुआ लगेगी बेटा, ऐसे काम करने की क्या जरूरत है?
तू आज से ये सारे काम छोड़ देगा, कसम खा मेरी। तुम्हारी कसम खाने से ये काम छोड़ देगा? कितने दिनों से ये तुम्हें बिना बताए काम कर रहा है। अगर इसने अपना वादा नहीं निभाया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। ये सब नाटक कहीं चौराहे पे करना, वहाँ पर लोग तुम्हें चिल्लर डाल देंगे। तुम्हारी तो आदत ही है भीख मांगना। रुक जा, क्या कर रहा है? आज तक मेरा बेटा क्या करता था ये बात मुझे पता नहीं थी दीदी, पर आज से ये अच्छे काम करेगा। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी न हो इस बात का ख्याल रखेगा, मेरा विश्वास करो। अगर तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो तो इस पर विश्वास करके चलो हमारे साथ। ए, जाकर वरमाला लेकर आ। ये लो। ये ले। कांता दीदी, मेरा भरोसा कीजिए, आज से आपकी बेटी इसकी जिम्मेदारी है। चलो बेटा। हमारे खानदान में पहली बार लव मैरिज करने वाला हमारा बेटा ही, आरती उतारो। आओ बेटा, आओ बेटी, घर के अंदर प्रवेश करो। बेटा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, तुम्हारी बहन की शादी के लिए बचा कर रखे थे। इन पैसों से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। जो पैसे मेरी माँ ने मुझे दिए, मैंने उसे अच्छे काम में लगाने का निर्णय लिया। अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और भाइयों के आशीर्वाद से मैं रियल एस्टेट में काम करने लग गया और अच्छे मुकाम पे पहुंच गया। अपने छोटे भाई के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और मेरे बड़े भैया अपनी इच्छा के मुताबिक राजनीति की तरफ पैर बढ़ाने लगे। भूपति सर, इतने सालों से मैं यहीं पर हूँ, हर बार सरपंच तो आप ही बनते हैं, इस बार भी आप ही बनेंगे, आप फिर से सरपंच बनने वाले हैं, कांग्रेट्स। हमारे भाई के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा हुआ तो हम उसे मार देंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, गांव में भूपति भैया के खिलाफ नॉमिनेशन भरने वाला कोई नहीं है। सब उस माता की कृपा है। सर, नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमें ये लड़की पसंद आई है, गुण और खूबसूरती में मेरी दोनों बहुओं के बराबर ही है ये। इसके परिवार से बात चलाइए। माँ, आपको तो पसंद आ गई है, देवर जी को भी तो आनी चाहिए। मेरे बेटे के मन में क्या है मुझे पता है। मुझे भी दिखाओ ना। बहुत अच्छी है। सुन बेटा, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, फोटो देखो ना। मेरे छोटे भाई के साथ साथ मेरी छोटी बहन की भी शादी करवा दी गई और साथ ही पद्मा की भी शादी हो गई, लेकिन पद्मा की जिंदगी मेरी बहन की जिंदगी की तरह थी। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? बच्चे बहुत अच्छे हैं मामा जी। नानी और मामी जी कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं पद्मा। अच्छा, तुम वापस कब आ रही हो? वो कैसा है, तुम्हारी देखभाल अच्छे से करता है ना? सुजाता, सुजाता। हाँ मम्मी। मुझे थोड़ा पानी ला कर दो,
हाँ अभी लाती हूँ। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या हुआ पद्मा, तुम बहुत उदास सी क्यों लग रही हो? मामा जी वो, बोलो ना क्या हुआ। पद्मा बताओ तो सही क्या बात है, बोलो ना। मामा जी उन्हें थोड़े पैसों की जरूरत है। बस इतनी सी बात, बताओ ना कितने चाहिए। ये लीजिए मम्मी। मैं पैसे भिजवा दूंगा। ठीक है अब मैं रखती हूँ मामा जी। माँ मैं साइड पे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा। सुजाता। हाँ मम्मी जी। जाओ जाकर बाजार से सब्जियाँ ले आओ। हाँ जाती हूँ मम्मी। अब बाजार भी जाऊँ। सुजाता। हाँ तू यहाँ दुकान पे क्यों आई है, तेरी देवरानिया नहीं है क्या? अरे वो काम कर रही है। तुझे पता है तुझे देखकर मुझे बहुत दया आती है, पहले कैसे रहती थी और अब कैसे रहती है, पूरी काम वाली हो गई है तू। क्या हुआ? घर पे सबको खाना बनाकर तू ही खिलाती है और उन्हें जो चाहिए वो बाहर से खरीद कर तू ही लेकर जाती है। अपने ही घर का काम करने में क्या गलत है भाभी? कुछ गलत नहीं है सुजाता, पर बाकी लोगों को भी तो काम करना चाहिए, दोनों देवरानियों को काम करना चाहिए ना। हाँ भाभी। काम के लिए मम्मी मुझे ही बोलती है। तुम्हारा पति तो कमाता है ना, फिर तू अकेली इतनी मेहनत क्यों करती है, उन्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ तो ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है, पर वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। बेटे हमेशा शादी से पहले अपनी माँ का पल्लू पकड़ते हैं और शादी के बाद बीवी का पल्लू पकड़ लेते हैं, उस वक्त सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं। चल ठीक है बाद में मिलते हैं। चल दूर हट, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, जब तक पीटेगा नहीं ना सुधरेगा नहीं। बच्चे को ऐसे क्यों मार रही हो बहू? मेरा बेटा है मेरी मर्जी, मुझे अपने बेटे को मारने का अधिकार नहीं है क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? और कैसे बात करूँ मैं? हाँ मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ या फिर मैं काम वाली हूँ, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। क्या हो गया है तुम्हें? घर में और भी तो लोग हैं, उन्हें कुछ न कहकर अब सब कुछ मुझसे ही करवाती है। सुजाता ये क्या हो गया अचानक? और क्या होगा मुझे, मैं कुछ भी करूं मुझे आपसे पूछना पड़ता है, घर में बाकी लोगों को छूट दे रखी है और मैं करूं तो आपसे पूछूं? हाँ तुम घर की बड़ी बहू हो इसलिए तुम्हें कहती हूँ, पर पता नहीं था कि तुम्हें बुरा लगेगा। मेरी किस्मत खराब है जो मैं ये सब सह रही हूँ, कोई और होता तो अच्छा होता, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। ये क्या तुम दूसरे घर की बात कर रही हो? ए चल यार सुजाता। रुको, रुको हाँ बेटा सुनो तो। दीदी इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, मेरी किस्मत ही खराब थी। आप दुखी मत होइए। सुजाता क्या हुआ तुम्हें, तुम सुबह से रो रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? क्या मुझे कुछ हो सकता है कभी, वैसे भी इस घर के काम वाली हूँ ना मैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे ऐसी बातें करनी आती है, अगर आपको बात करनी है तो करो नहीं तो जाओ। तुम क्या पागलों की तरह बात कर रही हो? हाँ तुम्हें तो मैं पागल की जैसे ही दिखूंगी ना, मैं सबके लिए पागल ही हूँ ना। तुमसे ऐसा क्या किसी ने कह दिया है? मैं घर में सबके लिए इतना काम करती हूँ, फिर भी कोई नहीं बोलता कि मैं अच्छा काम करती हूँ। घर में सबके लिए तुम अच्छे हो पर पूरे घर में मैं ही बुरी हूँ। सुजाता जो हुआ है ठीक से बताओ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, हम लोग दूसरा घर देख लेंगे। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, फिर से अगर कहा तो ठीक नहीं होगा, हम सब एक ही हैं। हाँ तुम सब लोग एक ही हो, मैं ही अलग हूँ ना। ठीक है फिर। चल मेरे साथ, तुम लोग पापा के साथ नहीं रहोगे, चलो चल। सुजाता सुजाता रुको, कहाँ जा रही सुजाता? अरे सुजाता चल ना। रुको बेटा, जा बेटा जाकर रोक उसे, जाना कहाँ जाएगी वो? हमारे घर की बड़ी बहू हमारा घर छोड़ के चली गई और इससे पहली बार मेरी माँ को हार्ट अटैक आया।
उनको बोल देना मैं घर पे नहीं हूं। शेखर घर पे है? नहीं, वो घर में ही कहीं छुपा होगा, जाकर देखो। आप लोग कौन हैं? तुम्हारे पति को हमने 10 लाख रुपए उधार दिए थे। मेरे पति ने 10 लाख रुपए लिए? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारा पति पैसे लाकर तुम्हें तो देता है, उधार के पैसे पे मौज करती हो और मांगने पर झूठ बोलती हो। तू सर, मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पति ने पैसे उधार लिए। भाई वो घर के अंदर नहीं है, बोला था 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, अब वो फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। जैसे ही आए मुझे बताना, 2 दिन में उसे पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो मैं उसका क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। 2 दिन में पैसे लौटा दे, बोल देना उसे। चलो चले गए वो लोग। डैडी बैठ जा। तुम मेरे मामा जी से तो पैसे उधार लेते ही हो ना, तो फिर बाहर वालों से उधार क्यों लिए? एक नया बिजनेस करना था इसलिए। मुझे बिना बताए 10 लाख का कौन सा बिजनेस किया है? बिजनेस नहीं, क्रिकेट में मैंने सट्टा लगाया था, हार गया, इस बार जीत जाऊंगा, तुम देख लेना। उधार लेने वाले घर तक आते हैं और क्या करोगे बताओ? एक बार अपने मामा से मांग के देखो। आपने जितनी बार पैसे मांगे मैंने मामा जी से मांग कर दिए हैं आपको, पर इस बार नहीं मांगूंगी और ये सारी बातें उनको बताऊंगी। पद्मा, पद्मा, पद्मा रुको, एक बार अपने मामा से पूछ लो, एक बार वो दे देंगे तो शाम तक लौटा दूंगा। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं अभी उन्हें फोन करके बता दूंगी। चुपचाप यहाँ बैठो, रोना धोना बंद करो। पद्मा प्लीज, प्लीज पद्मा बात मेरी सुनो। मैं उन्हें बता के रहूंगी। प्लीज पद्मा, मैंने कहा ना। हेलो मामा जी, प्लीज पद्मा मेरी बात सुनो। छोड़ो पद्मा, प्लीज सुनो मेरी बात। अरे पद्मा, 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 ये तो मर गई। इसके माँ बाप को पता चलेगा तो मेरी दीदी की तरह जब पद्मा भी अपने पति के हाथों मारी गई तो उसके मरने के बाद मेरी मां की हालत बहुत बिगड़ गई। मम्मी जी, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। नहीं चाहिए, ले जैसे यहां से। इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। माँ भी कैसी है डॉक्टर? हार्ट में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। आपको जो करना है करिए डॉक्टर। सिस्टर, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कीजिए। Thank you.
डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। सुजाता और दोनों बच्चों को फिर से घर बुला लो। ठीक है। सासू माँ, माँ की हालत बहुत खराब है, सुजाता को घर भेज दीजिए। देखो बेटा, तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेटी को नौकरानी बना दिया है। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी, अगर तुम्हें रहना है तो यहीं आओ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सुजाता, ऐसे समय में परिवार के साथ रहना किस्मत की बात है। अगर एक बार सभी के साथ रहने की आदत पड़ गई तो फिर उसके बाद अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। अपने पराए की बात मत करो, वो कोई गैर नहीं है, हम सब एक ही परिवार हैं। चलो सुजाता, प्लीज अब कुछ मत सोचो। ठीक है। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो, तुम तीनों मिलजुल कर रहोगे, ये वादा करो मुझसे। हम वादा कर रहे हैं। सुजाता, हाँ मम्मी। अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। ठीक है। उस दिन से भाभी ने घर की जिम्मेदारी उठा ली। मम्मी और पापा दोनों पोता पोती के साथ खुशी से रहने लगे और मेरे भैया प्रेसिडेंट बन गए। इससे उनके गाँव में इज्जत बढ़ गई और ये सब भूपति से सहन नहीं हो रहा था। गांव में मेरी जितनी भी इज्जत थी उन लोगों ने छीन ली, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखे। हम खुशी से रह रहे थे लेकिन उसी समय मां को दूसरी बार हार्ट अटैक आया और इस बार का स्ट्रोक बहुत ही सीरियस था।
भैया मेरी माँ नहीं रही भैया, मुझे जाने दीजिए भैया, जाने जाने दीजिए। जब से तू ऊपर बढ़ने लगा मेरी इज्जत कम होने लगी, मेरे लिए बेरौदा मेरी जान से बढ़ के था, तूने मुझसे वही छीन लिया, इसीलिए तुझे भी तेरी माँ के पास भेज रहा हूँ।
आज के इस सभा में आमंत्रित किए गए मुख्य अतिथि जो कि सबके प्रिय हैं, एमएलए डीएस राव जी का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे हमारे एमएलए साहब माइक पर आकर दो शब्द कहें। यहाँ आने वाले सभी बड़ों को और इस सभा के मुख्य लोगों को और लक्ष्मी जी के परिवार वालों को मेरा नमस्कार। सच यह है कि इस सभा का मुख्य अतिथि मैं नहीं हूँ, ये सभी लोग मुख्य अतिथि हैं। इन सभी के लिए मैं यहाँ पर आया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। माँ बाप का ऋण उतारने के लिए अच्छी किस्मत होनी चाहिए। माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर इस समाज के बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। इस समाज में माँ की अहमियत को जिंदा रखने के लिए इस राज्य में हमने कई अनाथालय बनाए, बच्चों के भविष्य के लिए मुफ्त स्कूल बनवाए। इन सभी भाइयों का मैं दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। वो महान आत्मा जहाँ कहीं भी हो अपने बेटे को देखकर उन्हें गर्व होगा। ऐसे बेटे को जन्म देने वाली लक्ष्मी जी बहुत ही किस्मत वाली थी। उनकी मेहनत और प्यार को इस समाज के सामने रखने के लिए ये सभा बुलाई गई है। मेरे यहाँ बोलने से अधिक अच्छा है कि लक्ष्मी जी का बेटा खुद यहाँ आकर आपसे दो शब्द कहे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। माँ, ये बहुत महान शब्द है। सिर्फ इस शब्द से ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। माँ का अर्थ है प्यार, ममता, धैर्य और दया। यही सृष्टि का मूल अर्थ है। किसी के लिए उसके माँ बाप उसके गुरु और भगवान होते हैं, पर हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ थी। और आज हम यहाँ जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे हमारी माँ का हाथ है। शायद हमारे किसी जन्म का पुण्य है जो हमारी माँ ने हमें जन्म दिया। आज हमारे पास संपत्ति, नाम, शोहरत और जो कुछ भी है, अगर हमारी माँ हमारे साथ नहीं होती तो कुछ नहीं होता। और इसीलिए हमने अपनी माँ के नाम से यह स्कूल बनवाया है। मेरी माँ चाहती थी कि सभी बच्चे पढ़े लिखे, और उन्होंने हमें भी दिन रात कड़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। अगर घर में कभी खाने के लिए खाना कम हो तो वो हमें बांट कर खुद भूखी रह जाती थी। ऐसी थी मेरी माँ। अगर हमने कभी गलती की तो हमें सजा दे के अपना प्यार जताती थी माँ। ऐसी थी वो। उसने अपनी कोख से हमें जन्म दिया है, इसलिए अपने पति से लड़ जाती थी वो, चाहे वो कितनी भी परेशान क्यों ना हो। अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देती थी। बेटे के मन में क्या चल रहा है ये जानने की काबिलियत किसी में है तो वो माँ में है। अगर सच कहूं तो इस दुनिया में माँ से ज्यादा प्यार किसी को करना ही नहीं आता है। सच्चा प्यार माँ करती है। मैं माँ की तारीफ में जितना भी बोलूं वो सब कम है। मैं अपने अगले जन्म में भी अपनी माँ के गोद से पैदा होना चाहता हूं। वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, और हम उनके लिए क्या करते हैं? बुढ़ापे में उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें तो उन्हें भगवान की तरह पूजना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं उसकी वजह से हैं। अगर माँ बाप का हमारे ऊपर आशीर्वाद हो तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख आए ही ना।